हेलो दोस्तों, मैं देव यादव स्मार्ट हिस्ट्री फ्रेंड चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स नेवी SSR EE में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में GS से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आज उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो वो किया गया था 13 समितियों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो वो है फ्रेंड्स, अधिक ढलान के कारण। फ्रेंड्स, जो पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण ही नहीं करती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो अपर्दित मैदान होते हैं वहाँ पर नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर देती हैं, क्योंकि मृदा अपरदन होता रहता है फ्रेंड्स। तो जो मृदा अपरदन होता है उसे वहाँ पर डेल्टा बनता रहता है। और जो फ्रेंड्स जहाँ पे अधिक ढलान है वहाँ पे नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल फैल रहा है, इसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो फ्रेंड्स, जो थार मरुस्थल फैल रहा है उसे रोकने का सर्वोत्तम उपाय सिर्फ एक ही है फ्रेंड्स, वो है वनीकरण। क्या है? वनीकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? तो जो स्थलरुद्ध राज्य है फ्रेंड्स, गुजरात आपका स्थलरुद्ध राज्य नहीं है, जो बिहार राज्य है वो आपका स्थलरुद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? तो जो फ्रेंड्स ग्रीष्म मानसून आता है वो आता है आपका, ग्रीष्म मानसून आता है वो आता है आपका भारतीय गंगा के मैदान में। कहाँ पे? भारतीय गंगा के मैदान में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो जो अधिकतम वर्षा होती है वो होती है आपके उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में फ्रेंड्स ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होने के क्या कारण हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स आपके, कम वर्षा होने के कारण हैं फ्रेंड्स, हवा के रास्ते में कोई भी रोग नहीं है जिससे कि ऊपर उठकर ठंडा हो सके। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हवा है उसे रोकने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि चारों रेगिस्तान ज़्यादा है राजस्थान में, तो रेगिस्तान की वजह से फ्रेंड्स जो हवा है वो ऊपर ही नहीं उठ पाती, और जिससे कि हवा रुक नहीं पाती और वर्षा ऊपर उठकर जल में प्रवेश नहीं कर पाती, और वो वहाँ की वायु है वो ठंडी नहीं हो पाती, जिस कारण वहाँ पर वर्षा कम होती है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में स्टार्टर होता है? तो जो विद्युत मोटर में स्टार्टर होता है वो होता है फ्रेंड्स आपका, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ एक उच्च प्रतिरोध होता है। क्या? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ एक उच्च प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की गति किस नियम पर आधारित है? तो जो विद्युत मोटर की गति है वो है आपकी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। किस पे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? तो जो फ्रेंड्स न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो है पूर्वी राजस्थान। और फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में अगर ये पूछ लिया जाता है कि अधिकतम वर्षा होती है तो वो है फ्रेंड्स आपका मासिनराम, मेघालय में स्थित है। कौन सा? अधिकतम वर्षा वाला राज्य है मासिनराम, मेघालय, और कम वर्षा वाला पूर्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत के शुष्क शीतकालीन की संभावना कहाँ है? भारतवर्ष में शुष्क शीतकालीन की संभावना कहाँ है? तो वो है फ्रेंड्स आपकी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में फ्रेंड्स आपकी शुष्क शीतकालीन की संभावना अधिक है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड्स चेन्नई है। चेन्नई ऐसा राज्य है जहाँ पे ठंड में, जहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है वहाँ पे भी सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिक होती है दिसंबर मंथ में। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो फ्रेंड्स पौधे के जो भाग है, फूल है फ्रेंड्स, उससे आपको जूट की प्राप्ति नहीं होती है, फल से भी नहीं होती है, पत्ते से भी नहीं होती है, जो तना है उससे फ्रेंड्स हमको जूट की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश को फ्रेंड्स चावल का कटोरा कहा जाता है, जो आपको फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश है उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या? चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च पादप एक लता है फ्रेंड्स, क्या है? लता। अगला क्वेश्चन है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो फ्रेंड्स लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश आपका फ्रेंड्स लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जो अदरक के उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दृष्ट धारा जनित तथा प्रत्यावर्ती धारा जनित की बनावट में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स ये है आपका, दो रिंगों के स्थान पर एक ही रिंग दो भागों में बंटकर प्रयुक्त की जाती है, ये उसमें अंतर है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, धारा में विक्षेप होता है वो होता है फ्रेंड्स धारा के व्युत्क्रमानुपाती। कैसे? धारा के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक संख्या में पशु हैं वो हैं आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर नागार्जुन परियोजना स्थित है? तो वो है प्रश्न फ्रेंड्स आपकी कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर आपकी नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो वो है फ्रेंड्स आपका ब्यास नदी। ब्यास नदी से फ्रेंड्स आपकी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है, नवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किस नदी को बांध उपयोग में लाया गया है? तो वो फ्रेंड्स हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपकी महानदी पर है। कौन सी? महानदी पर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? फ्रेंड्स सूरमा जिससे केमिकल प्रोडक्शन तैयार होता है वो एंटीमनी प्रोडक्ट्स है। उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है? उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है फ्रेंड्स आपका झारखंड। फ्रेंड्स झारखंड ऐसा राज्य है जो कि एंटीमनी एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, हीरे की खान कहाँ स्थित है? जो हीरे की खान स्थित है वो है फ्रेंड्स आपकी चारों ऑप्शन में फ्रेंड्स एमपी दिया गया है, तो एमपी में यहाँ पे स्थित है, तो फ्रेंड्स हमको एमपी टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो वो है फ्रेंड्स आपका तापीय विद्युत। तापीय विद्युत में फ्रेंड्स विद्युत उत्पादन का अधिकतम हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत किस नदी को बांध कर उपयोग में लाया गया है? तो वो है फ्रेंड्स कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को चलाकर उत्पन्न की जा सकती है, उस उत्पन्न धारा को बढ़ाए जाने के समय में कौन सा कथन असत्य है? तो वो है फ्रेंड्स आपका, कुंडली में अधिक प्रतिरोध का तार लेकर धारा का मान बढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स किसी कुंडली को स्थिर रखकर फ्रेंड्स और चुंबक को चलाकर अगर धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो फ्रेंड्स इस धारा को बढ़ाने का जो उपाय है वो है कुंडली में अधिक प्रतिरोध का तार लेकर धारा का मान बढ़ाया जा सकता है। किससे? अधिक प्रतिरोध का तार लेकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतवर्ष में संभावित आयु है, तो वो है फ्रेंड्स आपकी जो भारतवर्ष में संभावित आयु है वो है सबसे ज़्यादा महिलाओं में। महिलाओं में जो संभावित आयु है वो पुरुषों से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो वो है फ्रेंड्स आपका केरल। केरल फ्रेंड्स ऐसा राज्य है, केरल ऐसा राज्य है जहाँ पे पुरुषों से महिलाओं की संख्या अधिक है, यानी कि महिला यहाँ पे ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो वो की गई थी फ्रेंड्स आपकी
1911 से 1921, 1911 से 1921 का दशक फ्रेंड्स ऐसा दशक है जहाँ जहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। जहाँ पे फ्रेंड्स इस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय पे यहाँ पे ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी कहाँ है? तो वो है फ्रेंड्स आपकी नागालैंड में। फ्रेंड्स नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईसाई हैं। क्या? सबसे ज़्यादा ईसाई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अध्यक्ष को कौन बुला सकता है? तो वो बुला सकता है फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति फ्रेंड्स लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। जो फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अनादर्श गैसें वे हैं जो जो क्या हैं फ्रेंड्स, जो चार्ल्स और बॉयल के नियमों का अनुवर्तन ना करें। फ्रेंड्स अनादर्श गैसें होती हैं वो गैसें होती हैं जो चार्ल्स और बॉयल के नियमों का अनुवर्तन ना करें, जो कि चार्ल्स और बॉयल के नियमों का पालन नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार ऐसी युक्ति है जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, जिससे पनडुब्बियों की स्थिति और परिसर ज्ञात करते हैं। पनडुब्बियों की स्थिति और परिसर ज्ञात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सदस्य शामिल थे? तो वो थे फ्रेंड्स आपके 7 सदस्य शामिल थे। कितने? 7 सदस्य शामिल थे। तो सब फ्रेंड्स संविधान सभा की प्रारूप समिति है उसमें जो अध्यक्ष था उसको मिलाकर 7 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो वो पड़ा है फ्रेंड्स आपका भारतीय सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारतीय एक्ट अधिनियम 1935 से फ्रेंड्स जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो कहाँ से पड़ा है? भारतीय एक्ट अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है? सॉरी, निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है फ्रेंड्स आपकी संविधान पद संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और प्रयुक्त सभी। तो ये है फ्रेंड्स आपका संसदीय पद्धति की सरकार। संसदीय पद्धति की सरकार से फ्रेंड्स इसमें सबसे अधिक प्रभाव विशेषता को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति को कहाँ से ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स संघीय पद्धति है वो है फ्रेंड्स आपकी कनाडा से ग्रहण की गई है। कहाँ से? कनाडा से। और जो फ्रेंड्स आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं वो ली गई हैं आपकी सूचियाँ कहाँ से लेंगे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो वो है फ्रेंड्स आपका जर्मनी का बायमर संविधान। कौन सा? जर्मनी का बायमर संविधान। यह ऐसा संविधान है जिससे फ्रेंड्स जो कि हमारे जो भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध है उससे भी ऊपर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि निम्न में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? तो वो है फ्रेंड्स जर्मनी का बायमर संविधान है जो कि हमारे भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को धारणा अपनाई है? वह फ्रेंड्स आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है जिससे क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसी युक्ति है जिससे क्या हुआ फ्रेंड्स आपकी जो उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो फ्रेंड्स उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन, वेग, त्वरण, बल तीनों ही सदिश राशियां हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सदिश नहीं है? तो
तो इसमें आएगा फ्रेंड्स आपका ऊर्जा। ऊर्जा सदिश राशि नहीं है फ्रेंड्स, वेग त्वरण और बल ये फ्रेंड्स आपकी सदिश राशियां हैं तीनों। और ये कैसी राशि है आपकी, ये आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड्स।